नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए विटामिन ई टॉपिक लेकर के आई हूँ। इसी में अभी आपका वसा में घुलनशील विटामिन चल रहा है, जिसमें मैंने विटामिन ए खत्म किया, विटामिन डी खत्म किया, विटामिन ई आपके लिए लेकर के आई हूँ। किसी एक वीडियो में आपको सारी बातें बता देंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बस फंसते हैं। चाहे आप नेट दीजिए, टीजीटी, पीजीटी और अदर परीक्षाओं के एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विटामिन ई, ये क्या होता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है और ये होता है, इसको हम रासायनिक नाम हमारा इसका क्या होता है, टोकोफेराल होता है। क्या नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। ये जो विटामिन ई होता है, इसको सबसे पहले इसकी खोज 1922 में हुई थी। किसने किया था? इवांस योम बिशप ने किया था। किसने किया था? इवांस योम बिशप ने किया था। किसकी? विटामिन ई की खोज। और उन्होंने ये भी पाया कि जो गेहूं का भ्रूण वाला पार्ट होता है, इम्ब्रियो वाला जो पार्ट होता है, वहां पर विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। उन्होंने यानी जो भ्रूण का जो तेल होता है, किसका? गेहूं का, वहां पर विटामिन ए पाया जाता है। किसने बताया? इवांस और बिशप ने बताया। कब इसकी खोज किया? 1922 में इसकी खोज किया। अब आता 1924 में वैज्ञानिक सूर्य का नाम था। क्या नाम था? वैज्ञानिक सूर्य इनका था। और इन्होंने ही इसको बताया, इसको इस विटामिन का नाम दिया एंटी एस्ट्रलिटी फैक्टर। क्या नाम दिया? एंटी एस्ट्रलिटी यानी बाजपन को दूर करने वाला विटामिन होता है एंटी स्टरिलिटी फैक्टर। यानी जो बच्चा नहीं पैदा कर सकते उनको बाजपन बोलते हैं, स्टरिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे शब्द एंटी लग गया, यानी स्टरिलिटी को दूर करने वाला होता है ये हमारा विटामिन। किसने नाम दिया? सूर्य ने दिया। तो ये बातें अब देखिए, इसने में आपका एक क्वेश्चन तैयार होगा। सबसे पहले किसने खोज किया? इवांस बिशप। कब किया? 1922 में। क्या उन्होंने पाया? गेहूं के भ्रूण के तेल के पोषण में विटामिन ए की तत्व को पाया। अब यहाँ पे आते हैं जो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, टोकोफेराल, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेराल होता है। ये जो टोकोफेराल होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि टोकोफेराल कैसा शब्द है, तो टोकोफेराल ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो टोकोफेराल है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या है? एक टोकोज है, दूसरा फेरो है और तीसरा ओल है, टोकोफेराल, ठीक है। तो तीसरा ओल होता है। अब यहाँ पे देखिए, टोकोस, टोकोस का अंग्रेजी में होता है अर्थ होता है ऑफस्प्रिंग, और इसको हिंदी में कहते हैं शिशु को जन्म देना, ठीक है। टोकोस का मतलब होता है शिशु को जन्म देना, जिसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। और फेराल का मतलब होता है संपन्न करना, यानी फेराल का मतलब होता है संपन्न करना। और यहाँ पे जिसको बोलते हैं टू बियर, जिसको बोलते हैं टू बियर यानी सहन करना है, संपन्न करना, यहाँ पे सहन करना होता है, संपन्न करना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके से होता है। टोकोस का मतलब होता है शिशु को जन्म देना और फेरोस का मतलब होता है टू बियर। एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आता है शिशु को जन्म देना, टोकोस, फेरो का मतलब संपन्न करना टू बियर, और आल का मतलब होता है एल्कोहल पार्ट होता है। तो ये तीन चीजों से बनकर टोकोफो फेराल, ठीक है। तो ये टोकोस शब्द से आता है। टोकोस का अर्थ क्या होता है? शिशु को जन्म देना, फेरोस का संपन्न करना, और आल मतलब एल्कोहल। अब इसकी संरचना क्या होती है, ये इसका रासायनिक संरचना में देखा जाता है। ये टोकोफेराल और टोकोट्रिनॉल, इसकी रासायनिक संरचना होती है, इनका जो स्ट्रक्चर बनाया गया केमिकल, इसमें दो तत्व में के रूप में देखा जाता है, टोकोफेराल के रूप में और एक टोकोट्रिनॉल के रूप में। टोकोफेराल टोकोट्रिनॉल के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। अब हम इसकी रासायनिक विशेषताओं पे आते हैं। क्या होता है? ये पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है। क्या होता है? पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है जो वसा तथा वसा घोलकों में घुलनशील होता है। यानी जो घोल लेते हैं, यानी अवसा में घुलनशील, यानी ए डी और के में ये घुलनशील होता है। कौन? ये हमारा विटामिन ई। कैसा होता है? पीले रंग का तेल पदार्थ होता है, ठीक है। अब ये किसके प्रतिष्ठित, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो विटामिन ई होता है किसके प्रतिष्ठित होता है? तो ये अम्ल और ताप के प्रति स्थिर होता है और क्षारीय माध्यम में ये नष्ट हो जाता है। किसमें?
क्षारीय माध्यम में यह नष्ट हो जाता है, अम्लीय माध्यम में नष्ट नहीं होता है, लेकिन क्षारीय पदार्थ उस पदार्थ में डालेंगे तो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे विटामिन ई, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। जो विटामिन ई होता है, या इसी को हम ऑक्सीडेशन पदार्थ कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, ऑक्सीकरण पदार्थ कहते हैं, इसी के कारण से ये जो विटामिन ई होता है, ये जो है इसी ये हमारे इसमें पौधों में पाए जाते हैं, और ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया बेटा मतलब वसा में नहीं होने देते हैं, इसीलिए वसा में दुर्गंध या सड़न नहीं होने पाती। आप तेल लग दीजिए लेकिन तेल आपको खराब नहीं होता, भले तले होने रहेगी लेकिन वो खराब या दुर्गंध उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, उसमें विटामिन ई पाया जाता है, और विटामिन ई जो होता है वो ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकने का काम करता है, इसी वजह से ये दुर्गंध वसा में नहीं आने पाता है। और इसी कारण से जो विटामिन ई होता है उसमें क्या पाया जाता है, आपका वसा में सॉरी जो वसा में आपका विटामिन ए यानी कैरोटीन पाया जाता है वो नष्ट नहीं होने पाता है। ठीक है, किसी कारण से, विटामिन ई के कारण, क्योंकि विटामिन ई ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकता है, किसमें, वसा में। और एक बात यहाँ पे है, यदि उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, किसको, तेल को, वसा को बहुत देर तक गर्म कर देते हैं, तो उस क्रिया को हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो जब तेल को बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है तेल में, उस अवस्था में विटामिन ए नष्ट हो जाता है, वो क्योंकि यहाँ पे विटामिन ई आपको धुआं देता है, और धुएं की वजह से जो निकल जाता है, इसी वजह से वो जो तेल होता है वो नुकसान करता है, और डाइजेशन को नुकसान, डाइजेशन हमारा नहीं होने देता है, और वहाँ से विटामिन ए भी नष्ट हो जाता है। तो सन यानी सूर्य की किरणों से और रैंसिडिटी की क्रिया से विटामिन ई नष्ट हो जाता है, और उसमें जो पाए जाने वाला विटामिन ए भी होता है वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीडेशन की क्रिया बहुत तीव्र गति से हो जाने लगता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम अवशोषण पे आते हैं, तो विटामिन ई का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में विटामिन ई का अवशोषण होता है। अब देखिए इसमें होता है, अब इसको पचाने के लिए विटामिन ई को हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। विटामिन ए को पचाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, वसा और पित्तरस, इसका वसा और पित्तरस आवश्यक होते हैं विटामिन ए को पचाने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसके लिए क्या आवश्यक होती है, वसा और पित्तरस की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इसके कार्य पे आते हैं, देखिए इसके कई काम होते हैं, त्वचा संबंधी काम करता है, मस्तिष्क संबंधी काम करता है, और हमारे कह सकते हैं ये बाझपन को दूर करने काम करता है, प्रजनन क्षमता को सही संतुलन रखने का काम करता है, ये आपके कॉमन काम हो गए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपके आरबीसी के निर्माण में भी ये सहायक होता है। तो देखिए आरबीसी का निर्माण में यानी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। जब आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो जो हमारा होती है, जो आरबीसी के जो कण होते हैं उनकी साइज बड़ी हो जाती है। किसकी, आरबीसी के जो कण होते हैं उसकी साइज बड़ी हो जाती है। कब बड़ी हो जाती है, विटामिन ई जब उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लार्ज साइज रहता है, और कभी कभी जब विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल जाता है तो महिलाओं को और बच्चों को भी एनीमिया हो जाता है, और जो विटामिन ई की कमी से एनीमिया होता है उसका नाम होता है मैक्रोसैटिक एनीमिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक पर्निशियस एनीमिया या माइक्रोसैटिक एनीमिया। तो विटामिन ई की कमी से माइक्रोसैटिक एनीमिया हो जाता है, ये बात याद रखना। और यदि विटामिन ई नहीं मिले होगा तो लाल आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उनकी साइज बड़ी हो जाती है। ये चीजें हो गई। अब ये प्रजनन क्षमता में सहायक होती हैं। देखिए स्त्रियों में पाए जाने वाला जो यौन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, और पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन एंड्रोजन होता है। ये जो यौन हार्मोन होते हैं ये नियमित करने काम करते हैं और नियंत्रित करने का काम करते हैं, लेकिन इसके लिए विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमारे यौन हार्मोन को अच्छी तरीके से अपना काम करने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है। और यदि विटामिन ई इनको नहीं मिलता है तो ये जो प्रजनन क्षमता छीण जाती है, जो सेक्स के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, और इसके साथ साथ जो यौन हार्मोन होता है वो अनियंत्रित, अनियमित और असंतुलित हो जाता है। अनियंत्रित, अनियमित और असंतुलित हो जाता है, किसकी वजह से, विटामिन ई की कमी से।
ठीक है। तो ये प्रजनन क्षमता में और इसी के कारण से यौन हार्मोन के सिक्रेशन में कमी होने के कारण से क्या हो जाता है, बाझपन रोग हो जाता है। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पे कार्य के रूप में बताया। त्वचा के लिए भी आवश्यक होते हैं, सुंदरता बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये भी याद रखना है कि हमारी त्वचा के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके स्रोत में देख लेते हैं। सबसे अच्छा जो रिच सोर्स होता है ये गेहूं का भ्रूण तेल होता है, उसमें पाया जाता है। सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है, अलसी के तेल में पाया जाता है, सरसों के तेल में पाया जाता है। इन सब चीजों की मात्रा विटामिन ई इसमें रिच सोर्स होता है। अब यहाँ पे गुड सोर्स में देखते हैं, जौ, जई, चावल की भूसी, इन सब में ये इसका गुड सोर्स होते हैं। लेकिन पुअर सोर्स यानी हमारी फल में, सब्जियों में, मक्खन में, दूध में, अंडे में, इनकी मात्रा विटामिन ए की बहुत न्यून मात्रा पाई जाती है, बहुत पुअर सोर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने इसीलिए कैटेगराइज कर दिया। हम भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, नेट में सीक्वेंस पूछता है कि रिच सोर्स से लेकर के पुअर सोर्स की तरफ चलिए, पुअर से रिच की तरफ चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इस तरीके से भी आप याद कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कार्य बता दिया, स्रोत बता दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, ये हमारे नर्व यानी हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सोचने विचारने की क्षमता में कमी आने लगता है, कोई चीज की भूलने की बीमारी होने लगती है, यानी हमारे नर्व को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ हमारे जो मसल्स मांसपेशियां होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं और हमारे अंदर फीलिंग की भावना खत्म होने लगती है। जैसे आपकी हाथों की, पैरों की सेंसेशन खत्म होने लगते हैं विटामिन ए की कमी से। और विजन मतलब हमारे आंखों की रोशनी के लिए भी जिम्मेदार होता है। और वीकनेस यानी यदि इसकी लगातार कमी हमारे शरीर में रहेगी तो शरीर हमारा कमजोर होता जाएगा। क्या होगा, शरीर हमारा कमजोर होता जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है प्रजनन क्षमता में कमी। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया, अब आपको यहाँ पे डिटेल बता रहे हैं। प्रजनन क्षमता में कमी यानी ओवम नहीं बन पाएंगे, स्पर्म नहीं बन पाएंगे। और ओवम स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी स्त्री पुरुष का समागम होता है, वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी नहीं होने पाएगी सही तरीके से। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा। और बच्चे यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न भी हो गई, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो गई और विटामिन ई की कमी रही तो एबॉर्शन भी हो जाता है, बच्चा एबॉर्ट भी हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो ये प्रजनन क्षमता में कमी आने लगती है। ठीक है, यकृत में नेफ्रोसिस रोग हो जाता है। ये जो नेफ्रोसिस रोग होता है ये लीवर को गला करके नष्ट कर देता है, इसी को नेफ्रोसिस यानी लीवर में जो नेफ्रोसिस होता है। नेक्स्ट हमारा मस्तिष्क संबंधी रोग, देखिए सेरिब्रल पल्सी, ये हमारे मस्तिष्क, सेरिब्रल शब्द आ जाए तो जान लीजिए ये मस्तिष्क से संबंधी है। तो ये हमारे मस्तिष्क के पार्ट को भी प्रभावित करता है विटामिन ई। अब यहाँ पे आता है एरिथ्रोसाइट्स एमोलाइसिस, यानी ये हमारे आरबीसी के निर्माण में कमी ला देता है, जिसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है और इसको हम एरिथ्रोसाइट्स एमोलाइसिस भी कहते हैं। अब आता है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। इस मांसपेशियों में ऐंठन को बोलते हैं डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। याद रखना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पहले बार क्या है, प्रजनन क्षमता में कमी आता है, यकृत का नेक्रोसिस रोग हो जाता है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो जाती है, एरिथ्रोसाइट्स हीमोलाइसिस हो जाता है, इसके साथ साथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, लगातार विटामिन ए की कमी रहती है। तो और यहाँ पे मैंने लिखा है क्रोन्स डिजीज और सॉर्ट, ये आप लोग देख लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये विटामिन ई की भी कमी से होता है और भी अन्य पोषक तत्वों की कमी से होता है, लेकिन ये भी याद रखना यहाँ पर इसकी भी कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी भी कमी से होता है। अब देखिए, जो क्रोन्स डिजीज होता है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। याद रखना, जो क्रोन्स डिजीज होती है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। इसी की यदि इसकी कमी रहती, यदि हमारे शरीर में ये रोग हो गया है तो डायरिया होना, पेट में दर्द होना और मतलब स्मेल लिए हुए जो है लूज मोशन होना, ये सारी चीजें क्रोन्स डिजीज में होता है। यानी हमारे डाइजेशन यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करने का काम करता है कौन, क्रोन्स डिजीज। दूसरा हमारा आता है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। अब देखिए, जो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम होता है ये भी लगभग ये आपके डाइजेशन को प्रभावित करने का काम करता है। इसमें भी
जब हमारे शरीर में हम पोषक तत्वों को आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो उसको ग्रहण नहीं करती है। क्या करती है? वो उसको ग्रहण नहीं करती है। जब हम आवश्यकता से अधिक एक पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा मात्रा में इनफ मात्रा में लेते हैं तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको ग्रहण नहीं करती, उसको बाहर निकाल देती है। तो जब उसको बाहर निकाल देती है तो डायरिया के रूप में निकाल देती है, पेचिस के रूप में निकाल देती है, जिसकी वजह से लगातार जो होता है शरीर का वजन घटता रहता है, शरीर डायरिया होने लगती है, कमजोरी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया तक की भी शिकायत आ जाती है जिसको हम खून की कमी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिए, ये हमारे इसको डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करने का काम करता है। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम और क्रोन्स डिजीज के भी विटामिन ई की कमी से होता है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता था मैंने आपको बता दिया, इसकी खोज कौन किया था, सबसे पहले किसमें पाया गया, टोकोफेराल कितने शब्दों से मिलकर बना है, इन तीनों का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आर इसके ही किस पे स्थिर होता है, अम्ल और ताप के पर स्थिर होते हैं लेकिन क्षारीय माध्यम में नष्ट हो जाते हैं, और ये किससे हमारा विटामिन ई नष्ट होता है, एसिडिटी की वजह से और सूर्य की रोशनी से। ठीक है, अब इसकी अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। अवशोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, वसा और पित्त रस की आवश्यकता होती है। इसके काम क्या होते हैं, हमारे यकृत को स्वस्थ रखने का काम करता है, इसके साथ साथ त्वचा को, मस्तिष्क को, प्रजनन क्षमता को मेंटेन बनाए रखने का काम करता है। ये सब बातें मैंने आपको बता दिया। और ये क्रोन्स और शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में याद कर लेना, ये कमी इसके स्रोत किसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये आप सीक्वेंस में याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, इसकी कमी से मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इससे ज्यादा आपका कोई भी परीक्षा देंगे तो शायद मेरे ख्याल से ये आपका एनएफ है, इतने में आप अच्छे से भी इसी को आपने ट्रेन में पढ़ लिया तो इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं देखना है, इतना ही आपका। इसलिए मैंने आपको एक टॉपिक एक ही वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपको सारी बातें जो आपका टॉप चीजें जो पूछी जाती है उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे विटामिन ए के को लेकर के, इसको मैं डिस्कस करूंगी। यदि और भी आपको कोई रिक्वेस्ट होगी तो मैं जरूर शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट में। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।